الأصفر. एक ऐसे अद्भुत संत का जन्म हुआ था, और वह मध्यकाल का युग ऐसा था कि वो कह सकते हैं कि भक्ति काल के रूप में जाना जाता था, और उसमें कई अद्भुत संत हुए हैं, सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो। उसमें कबीर एक ऐसा समकामूलक संत थे जो संपूर्ण समाज में एक समरस समतायुक्त ममतायुक्त समाज का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए पाखंडों का और जो विकृतियां समाज में है उसमें टुल्ला टुल्ला वो एक विद्रोही के जैसे बात रखते थे। चाहे जिस पक्ष में गलती हो उस पक्ष को सत्य कहने का जो साहस उनके अंदर था वह अद्भुत था। इसीलिए आज के कठिन समय में जब समाज में जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच और जितनी विकृतियां हो सकती है उससे युक्त इस समाज के लिए कबीर की जीवनी और कबीर की वाणी ये दोनों ही प्रेरणा देने लायक है। आज से 600 वर्ष पहले जितने वो प्रासंगिक था आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मैं इस अवसर पर मैं समाज के लोगों से यही याचना करना चाहूँगा कि जो हमारे संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया था और उसमें से कबीर ने जो मार्गदर्शन दिया था उस मार्गदर्शन पर यदि हम चलें तो समाज में बर्बरता समाप्त हो जाएगी। समाज में झूठे पाखंड के आधार पर जो समाज को तोड़ा जा रहा है वो टूटन कम हो जाएगा। अभी देश की स्थिति देख रहे हैं, केवल पाखंड के आधार पर पूरे देश को किस प्रकार से रंगा जा रहा है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में कबीर प्रासंगिक भी है, कबीर की वाणी अनुकरणीय भी है और अपने जीवन में उतारने लायक है। आज के समय में कबीर न केवल प्रासंगिक है तो उनसे सीख करके हम समाज को नया मार्ग दे सकते हैं, नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसे कबीर की वाणी की क्षमता है, हम सब गौरवान्वित है कि ऐसे महान संत इस भारत भूमि को जन्म दिए जिनकी प्रेरणा से आज भी समाज प्रेरित होकर के अपने जीवन को प्रशस्त करता है। बस इसी बिंदु पर आज यहाँ पर यह कार्यक्रम देखिए, आज पान चौपाल समाज के बैनर तले हम लोग समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर संतोष दास जी के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। कबीर के नाम लेते ही विश्व में सत्य बोलने वाला का अभी नाम होता है जो संत कबीर का नाम होता है, और इस संसार में कबीर के पंथ पे चल के समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग, हम लोग का जीवन धन है जो कबीर पंथी ही नहीं, हम लोग कबीर वंशी भी हैं। सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग संत कबीर ऐसे महान संत के वंश में हम लोगों का जन्म हुआ है। और कबीर निर्गुण मन पंथ के हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में महान संत के रूप में गिने जाते हैं। और कबीर के बारे में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है, लेकिन माना जाता है कि जब हमारे हिंदुस्तान में जो विश्व के कवि धर्म गुरु हुआ करते थे हिंदुस्तान, उस समय में जब मानव मानव में भेदभाव हुआ, मनुष्य मात्र को जो ज्ञान चाहिए, यहाँ जातीय दंगा फैलाया गया, समाज के सबसे निचले पौदान पे बैठे आम लोगों को शिक्षा से ज्ञान से सामाजिक
सारे कार्यक्रम से दूर रखा गया तो साक्षात परमात्मा ने कबीर के रूप में काशी के महान भूमि पर लहरतारा तालाब में उनका पदार्पण हुआ। विद्वानों का मत है कि साक्षात परमात्मा का रूप है और कुछ उस समय के जिसके ऊपर जिस कुरीतियों पर महान संत कबीर ने कुठाराघात किए उनका मत है कि वो ये हैं। क्या समाज में संदेश देंगे कबीर जयंती के उपलक्ष्य में? हम अपने समाज को कबीर का जो नीति रहा, कबीर जो मध्य मार्ग, और आज के तारीख में अगर धर्म निरपेक्षता की बात अगर करते हैं तो हम अपने समाज को बात बताना चाह रहे हैं कि आज देश विदेश या भारत हमारा धर्म निरपेक्ष देश है। तो हम ये कहना चाहते हैं इसमें हमारे पूर्वजों संत कबीर का ही 600 वर्ष पहले ये धर्म निरपेक्षता का नींव रखने वाले हमारे समाज के महापुरुष संत कबीर हुए, तो हम वैसे के वंशज हैं, तो हम लोग को भी धर्म निरपेक्षता को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर उस पर काम करना चाहिए। और जैसा कि बोले गौरव जी, तो उनका पहले था कि कल करो जो आज करो, आज करो सब पल में पौड़ी होते पौड़ी करोगे कब। और मेरा कहना कि हम उतने बड़े महान के वंशज रहते हुए भी हमारा समाज आज अशिक्षित है, तो हम शिक्षा के प्रति अपने समाज को जागरूक करने के लिए हम कबीर जी के जयंती पर हम संकल्प लेने का आग्रह करते हैं। और ये भी प्रयास करते हैं कि हम लोग कबीर को बताए हुए रास्ता पर आगे बढ़ें जिससे कि हमारा समाज गौरव में इतिहास की ओर बढ़े। नहीं तो समाज में भी हम अछूत हैं और हम लोग अशिक्षित हैं तो और अशिक्षा का भी है। दूसरी तरफ हम लोग राजनीति में भी लगता है कि हम लोग अशिक्षा हैं। इतने बड़ा समाज में आज हमारे एकमात्र विधायक हैं कि विभिन्न पार्टी से अगर देखा जाए तो जो हम विभिन्न पार्टी को भी देखते हैं तो उसमें मात्र हमारे एक विधायक है। ये कितना दुख की बात है कि जो 600 हमारे पूर्वज 600 वर्ष दूसरों को जगाए और 600 वर्ष के बाद भी हमारा समाज अगर सोए हुए हैं, हम लोग लोकतंत्र में हम लोग मैंने जगह नहीं है। तो ये भी हम अपने समाज से आग्रह करते हैं कि आप याद करिए कि आप किसके वंशज हैं और आप इस पर प्रमाणित होइए कि जब हमारे पूर्वज 600 वर्ष पहले लोगों को जगाया, पाखंड का विरोध किया, उन्होंने कहा कि एकदम आगे बढ़ने के लिए हमको निर्गुण होके जो काम है करना चाहिए, समाज को भेदभाव मिटाते हिंदू धर्म नहीं, सबसे पहले हम इंसान हैं, तब हम कोई हिंदू हैं, तब कोई हम मुसलमान। तो मैं इन्हीं बातों को अपने समाज के बीच रखते हुए आप लोगों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय भारत, जय पान चौपाल समाज, जय कबीर। मेरा नाम प्रोफेसर संतोष दास पान है। मैं समाज के समाज लोगों ने हमको प्रदेश अध्यक्ष चुने हैं और दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है अखिल भारतीय, जिसके कि महामहिम राष्ट्रपति आज हम यहाँ आज आप कुछ हाँ तो यहाँ पे सारे इकट्ठे हमारे समाज के सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पे संतोष सर विधायक जी, इनको मेरा सादर प्रणाम। सब सभी यहाँ और यहाँ बैठे सारे लोगों को प्रणाम। और मैं इस कबीर जयंती के उपलक्ष्य पे ये बोलना चाहूँगा, कबीर जी जो हमारे लिए स्पेशल रहे हैं, हमेशा से हमारे समाज के लिए बनकर रहे हैं, और उनकी सारी जो लर्निंग्स रही हैं जैसे भक्ति मूवमेंट उन्होंने चलाया, बुनकर को बढ़ावा दिया, ह्यूमन वैल्यूज़ सिखाए उन्होंने, ह्यूमन लर्निंग्स उनकी, जैसे उनके दोहे बहुत फेमस हैं, एक दोहा मुझे हमेशा से उन्होंने इंस्पायर किया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलय होएगा बोहरी करेगा कब। तो ये एक दोहा हमेशा से, चाहे किसी भी उम्र में एक इंसान हो, हमेशा से एक ये इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो मैं कबीर संत कबीर को
सादर प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे दोहे हमें देने के लिए और उनकी लर्निंग हमारे जीवन में हमेशा बढ़ावा देंगे। धन्यवाद। यही बोलूँगा मैं अपने सारे परिवार के जनों को और सारे समाज के लोगों को मैं एक सादर प्रणाम करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं ये इस मुकाम को एक छू पाया, और मेरा सतत प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा देश की सेवा के लिए सतत प्रयत्न अपना पूरी कोशिश करूँ ताकि देश एक नए मुकाम तक पहुँच पाए।